चैनल इंडियन एक्वा बॉय पैक विद अ न्यू वीडियो। तो गाइस काफ़ी दिन से आप लोग बोल रहे थे कि आउटडोर पॉन्ड का अपडेट चाहिए, तो आज हम टर्टल के हालचाल लेने आए हैं यहाँ पे, और प्लस जो इनसाइड कोई पॉन्ड है और उसमें सिल्वर टिन फॉइल्स हैं तो उसका अपडेट अभी देने वाला हूँ। तो काफ़ी टाइम हो गया था, जैसा कि आपको बताया था, अभी काम के चक्कर में मैं आ नहीं पाया था, तो आज काफ़ी दिनों बाद ऑलमोस्ट 1.5 मंथ के बाद आ रहा हूँ। तो चलिए अब पॉन्ड के अपडेट देते हैं और थोड़ा सा मज़ा लेते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस ये है सबसे पहले वाला टर्टल जो सबसे पहले यहाँ पर डाला था, और आप देख सकते हैं कि क्या एल्गी जम गई है इसके ऊपर। तो इसका रीज़न ये है कि वो जो बाहर वाला फिल्टर होता है, वो पहले भी आपको दिखा होगा अगर आप देखते थे, कि ये यूजली वहीं जाके बैठ जाती है, उसी में रहती है, वहाँ डायरेक्ट सनलाइट आता है और पानी में रहती है, तो इसलिए ये एल्गी जम गई है। तो इसको कई बार निकालने की कोशिश की है, नहीं अभी भी मैं उसको वहाँ से ही पकड़ के लाया हूँ। तो चलो इसको मैं फिलहाल यहाँ रिलीज़ कर दूँगा, ये गई इनसाइड, बाकी सारे इसके अंदर हैं। ट्राई करता हूँ पकड़ने की, बिकॉज आज अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हरीश है नहीं, तो वो हेल्प कर देता था तो आराम से यहाँ पर पकड़ लेते थे। तो बाकी चलिए मैं आपको अपडेट देखता हूँ कि देखिए कुछ ये वाले प्लांट्स और ला दिए हैं, जो उसको वाटर पपायस बोलते हैं। एग्जैक्टली आई डोंट नो कि मैं अभी सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, और चलिए हल्का सा मैं टूर दे देता हूँ उसके बारे में। राइट, अंदर जाने का अभी मन तो नहीं था बिकॉज, बट मैं हार्डली 2-3 पॉइंट आउट कर पा रहा हूँ, तो देखता हूँ मैं का इतनी दूर आया हूँ तो कुछ तो टर्टल्स आपको दिखा दूँ। आई एम नॉट श्योर कि मैं सारे पकड़ के दिखा पाऊँगा, बट जितने अभी पकड़ पाऊँगा तो पकड़ने की कोशिश करता हूँ मैं। और प्लस आपको इन मोलीज का साइज़ दिखाऊँगा, क्रेजी टाइप्स में बड़ी हो गई हैं और कुछ हाइब्रिड ही टाइप के इनके कलर हो गए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले मैं आपको मोलीज के कलर दिखाता हूँ। एक सेकंड, टर्टल आ गया, इसको जल्दी से पकड़ने को। हाँ, दो आ गए। कोई नहीं, पहले मैं मोली दिखाता हूँ, टर्टल तो दिख जाएंगे, पकड़ लेंगे। ये रहा, हाँ ये वाला है, ये सुमित अरोरा का है। सो सुमित, आप पहले कंसर्न थे, तो देखिए अभी सेल परफेक्टली हेल्दी है और एल्गी भी उतनी जमी नहीं है, बिकॉज ये अब आराम से बाहर आते जाते रहते हैं, तो सी इज परफेक्टली हेल्दी नाउ। तो इसको मैं बाहर छोड़ देता हूँ फिलहाल, ताकि आप देख सकेंगे। तो बाकी इससे पहले ये मोलीज हैं, देखो बड़े वाली पकड़ता हूँ, जो इनका कलर ये देखिए गाइस, मोलीज ये कोई नई ब्रीड आ गई है इसकी, और बड़े वाले पकड़ में नहीं आ रहे। इसमें टिन बॉब्स भी हैं, तो वो देखिए मेरे चश्मे के पास आराम से घूम रहा है। ये देखिए इसमें है सारी। तो जो मैं आपको बता रहा था कि ये वाली मोली कुछ अलग ही हाइब्रिड बन चुकी है, अगर आप ध्यान से देखें, ये देखिए पता नहीं कौन सा कलर है और कितनी बड़ी हो गई है ये मोली। सो आई गेस इट्स अ मिक्स ऑफ, यहाँ तब तक ये देखिए हमारे टर्टल महाशय अंदर आना चाह रहे हैं। इसको मैं वापस डाल देता हूँ। और ये तो आपको मैंने दिखाई दिया कि क्या कलर है। तो दो टर्टल अब मैंने आपको अभी तक दिखा दिए, बाकी और दिखाता हूँ। जिसमें बड़ी सी कोई काप भी है अगर मैं पकड़ पाया उसकी, तो ये वाइट कलर देखिए, कितना मोली का वाइट, ब्राइट वाइट कलर है, बहुत ही प्यारा कलर है। टर्टल्स तो ढूंढना महाभारत हो रही है, कोशिश करता हूँ पूरी। यहाँ पर आप वाटरफॉल देख सकते हैं कि देखिए वाटरफॉल गिर रहा है। तो
बाकी टर्टल्स इसमें दिख नहीं रहे हैं अभी, इसकी भी सफाई जल्दी करवानी पड़ेगी। ये दिख गया, ये देखिए गाइस, ये आपको याद है जो सबसे छोटा वाला लाए थे, ये वो वाला टर्टल है। और ये देखिए काटने की कोशिश कर रहा है, ये जो सबसे छोटा वाला लाई थी और जो ट्रांसफ़र किया था वो ये है। अच्छा खासा 6 इंच का हो गया है, 6 इंचेस नाउ। और इसका कलर, बीक और पैटर्न देखिए कितना प्यारा है इसका, आप ये भी देख सकते हैं। इसको थोड़ी देर भाग सकता हूँ। देखिए और मैंने पकड़ा है, तो आई गेस जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो मूली जितनी बड़ी है, इट्स अ मिक्स ऑफ मूली एंड बाब, क्योंकि लास्ट टाइम हमने कुछ रोजी बाब्स भी डाली थी। ये देखिए आप कितना ब्राइट राइट कलर है इसका, तो ये शायद उसी का मिक्स है। गाइस बहुत कोशिश करी मैंने, सिर्फ 3 पकड़ पाए, 2 और दिखे बट वो सब इसके अंदर घुस चुके हैं और अभी पानी की वजह से मेरे को बिल्कुल दिख नहीं रहा है, तो वो मैं अगली बारी दिखाऊंगा। चलिए अब हम चलते हैं अंदर वाले पॉन्ड पे और उसमें देखता हूँ अगर कुछ एक आधी पकड़ पाऊँ तो। अंदर जाने से पहले आपको दिखा दूँ कि तो वो वाटरफॉल है, ये पूरे प्लांट्स हैं, ये देखिए पूरा पॉन्ड कुछ इस तरीके से दिखता है यहाँ पे। और तो अभी इसकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी, बट ये वुडन लॉग है और ये पूरा एरिया है उसके लिए, ताकि वो आराम से आके यहाँ पर बास्किंग कर सकें। और ये पूरी ग्रीनरी अच्छे से लग चुकी है, तो चलिए अंदर चलते हैं। बताना भूल गया था कि ही गॉट 2 वेरी क्यूट रैबिट्स ऑल्सो, तो आप देख सकते हैं एक हल्का ब्राउनिश है और एक वाइट है, कितने प्यारे लग रहे हैं, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से खुलेगा क्या, ये देखिए गाइस कितना प्यारा है, और वो वाइट वाला देखिए कितना प्यारा है। तो ये भी इसका हम साइड टेरेस पे एक कुछ एनक्लोज़र बना रहे हैं ताकि ये उसमें रहेंगे आराम से, तो इसलिए भी इसे रखा हुआ है। तो इनका एनक्लोज़र बन रहा है टेरेस के ऊपर, बंद कर देते हैं इसको वापस। गाइस अभी आ रही मे भी शायद आवाज़ काफ़ी ईको होगी, तो अभी अंदर वाला पॉन्ड दिखा दो, काफ़ी क्लियर है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है पानी भी, और फिश तो अमेजिंगली बड़ी हुई है यहाँ पे। तो मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ, और यहाँ पर फिश अमेजिंगली बड़ी हुई है, अमेजिंगली। तो मैं ट्राई करता हूँ अगर कुछ कैच वैच कर पाऊँ, तो एक अल्बाइनो ब्लैको दिख रही है, मैं देखता हूँ उसको पकड़ पाऊँ। मेरे को अल्बाइनो ब्लैको दिखी थी क्योंकि हमने उसको लास्ट टाइम यहाँ पर डाला था, और छोटी सी आई थी, काफ़ी बड़ी हुई, एकदम इसमें भी कुछ पकड़ पाएंगे या नहीं। इसकी सिल्वर टिन फॉइल क्लासिक बड़ी हुई है, पानी अच्छा खासा ठंडा है। लेकिन आपको फिश दिखाता हूँ, ये देखिएगा इस साइज, इन सबका साइज कितना बड़ा हो रखा है। आई होप इनको मैं पकड़ पाता, अगर पकड़ना मुश्किल हो रहा है। ये देखिए अमेजिंगली कितनी बड़ी हो रखी है ये सारी फिश। Where did you go when I needed you most?
बहुत मेहनत लग रही है, नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं पकड़ पा रहा हूँ, और प्लस ग्लासेस की वजह से ये नहीं दिख रहा है। तो एनीवेज बात की कि ग्लास हम इवेंचुअली हटा देंगे बिकॉज मज़ा नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं फूड डालता हूँ, फिर देखता हूँ कि उसकी कुछ हम ग्लिम्स ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। करने से पहले जल्दी से दे देता हूँ जो ये फ्रेंड का एक अच्छा खासा फार्म भी है, जिसमें बहुत सारी प्लांट्स, बहुत सारी ग्रीनरी, आप जहाँ पूरा देखोगे पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी है, इट्स अ हेवन। तो मैं जल्दी जल्दी से ये देखिए पपायास लगे हैं मस्त, और यहाँ पर ये बेरीज लगे हुए हैं, मैं इनका नाम भूल गया लेकिन ये आंवला के कुछ भाई या बहन हैं जो काफ़ी प्यारे दिखते हैं। ये वाले जो ये है ये काफ़ी खट्टा भी होता है। यहाँ पर काफ़ी आप लोग जानते होंगे इसको सीताफल बोलते हैं, कस्टर्ड एप्पल बोलते हैं। तो यहाँ ये देखिए कितने अच्छे खासे इतने सारे लगे हुए हैं, कुछ टाइम बाद अच्छे खासे पक जाएंगे। तो कस्टर्ड एप्पल या सीताफल बहुत नीचे पूरे कैबेजेस, ये आपका साइज। एक और ये यूनिक चेरी तो है नहीं, ये पता नहीं क्या है, अगर आपको पता हो तो कमेंट करो गाइस। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये पूरा, ये क्या चीज़ है मुझे पता नहीं। तो गाइज़ ये था वीडियो अपडेट ऑन दी टर्टल पॉन्ड एंड द बोई पॉन्ड इनसाइड। आई नो कुछ खास दिखा नहीं पाया बिकॉज थोड़ा शाम का टाइम हो गया है, सब अंदर छुपे हुए हैं, प्लस हरीश नहीं था यहाँ पे, नहीं तो मैं थोड़ा सफाई करके थोड़ा और अच्छे से अपडेट दे देता। डोंट वरी, वेरी सून आई विल गिव द प्रॉपर अपडेट ऑन दिस। एंड बाय द वे जो पीछे वाला एरिया है हम वहाँ पर भी एक और नया पॉन्ड बनाने वाले हैं। तो कमेंट डाउन एंड लेट मी नो कि कौन सी फिश उसमें डालें। मैं सोच रहा था मॉन्स्टर पॉन्ड, बट देन लेट मी सी कि वॉट माई फ्रेंड वॉन्ट्स। But we are definitely creating a third pond which will be more of a natural, हम उसमें पूरा natural look देने की कोशिश करेंगे। यहाँ के turtles अभी पूरे safe हैं और अच्छे healthy चल रहे हैं, और ये view प्यारा लगता है। बाकी नए videos जल्दी लाता रहूँगा। अगर आप मेरा channel पहली बारी देख रहे हैं तो मैं ऐसे ही videos बनाता रहता हूँ, pond, fishes, exotic pets, इन सब के बारे में। तो अगर आपको ऐसा और भी content देखना है तो please do hit subscribe button। एंड थैंक यू सो मच फॉर माई रेगुलर व्यूअर्स जो आप इतना प्यार दिखा रहे हैं। और अब मैं थोड़ा और जल्दी जल्दी रेगुलर वीडियोज़ लाऊंगा, थोड़ा बिजी था, बट आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।